So what's up guys, this is Manjeet and welcome to our channel Fit Manjeet. तो कैसे हो मेरे भाइयों, बड़े टाइम के बाद आप लोगों के लिए फिटनेस वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों के इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज के भाई एप्स के लिए वर्कआउट बताओ, एप्स के लिए वर्कआउट बताओ, इतने अच्छे एप्स कैसे हैं आपके। तो भाई इट्स ऑल डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपके भी बहुत ही जबरदस्त एप्स आ सकते हैं। तो आज मैं आपको चार ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप अपने एप्स में डीप कट्स ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी उसी तरीके से रखनी पड़ेगी। तो गाइस मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें और है जो आपको करनी पड़ती है। सप्लीमेंटेशन से मुझे याद है कि भाई अभी मैं यूज कर रहा हूँ अपना बिग मसल का क्रिएटिन, एंड कई लोग पूछते हैं भाई क्रिएटिन का क्या फायदा होता है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा देसी भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। हमारी बॉडी में जो ATP होता है उसको एक तरीके से बूस्ट करता है, और बूस्ट करके होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा जिसको बोलते हैं ना वैसे समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंच प्रेस मारते हैं 20 किलो से, अगर हम 5 रैप मारते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा कि 5 जो रैप है उसके 6 करने के लिए और 7 करने के लिए एक तरीके से आपको बूस्ट करेगा। दूसरी चीज, जो आपका मसल है उसको भी ये गेन करता है, किस तरीके से, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली हैवी वेट मारोगे तो अपने आप मसल बिल्ड तो हो गई। तीसरी चीज, ये आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक पावर आ जाती है, आपके मसल में हार्डनेस टाइटनेस आ जाती है, जिससे आपको फील होता है कि ये मैं हूँ सुपरमैन, उड़ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 499 में मिलेगा। मेन चीज़, इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, जो भाई जो हम क्रिएटिन खाते थे, एक तो वो बहुत महंगे आते थे, फॉर एग्जांपल 1200 1300 1400 तक के आते थे, सिर्फ 499 का मिल जाएगा आपको बिग मसल का। एंड दूसरी चीज़ जो हम खाते थे ना, वो ऐसा लगता था पता नहीं कि चोक पाउडर खा रहे हैं क्या, लेकिन जिसका टेस्ट है भाई एक नंबर, क्योंकि जैसे कि आपने फ्रूटी पियोगी, फ्रूटी में से थोड़ा सा शुगर निकाल दो तो वैसे टेस्ट आता, बहुत ही मजे से पियोगे, मतलब पता ही चलेगा आप क्रिएटिन पी रहे हो। तो गाइस अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जल्दी से इसको बाय कर लो। तो हम इसको पीते हैं और आपको बताते हैं वर्कआउट कौन कौन सा आपको करना है अपने डीप एब्स के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम पी रहे हैं मैंगो फ्लेवर, लेकिन आपको यहाँ पे 5 फ्लेवर मिल जाएंगे, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस इसकी एक सर्विंग में आपको मिलता है 3 ग्राम माइक्रोनाइज मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन। तो जब आपके क्वेश्चन होंगे तो भाई लेना कब है, तो इसको आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन वर्कआउट के आसपास इसको आपको लेना है, जब इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड कितना लेना है, आप 5 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से 15 ग्राम तक आप इजी तरीके से इसको ले सकते हैं, जैसे कि आपको 10 दिन लेना है 5 ग्राम, 20 दिन बाद लेना है आपने 10 ग्राम, फिर 15 ग्राम कर देना। साइकिलिंग करने की जरूरत है नहीं, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, जैसे कि मैं खुद यूज करता हूँ या फिर अपने दोस्तों को अपने क्लाइंट्स को यूज कराता हूँ, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारा एप्स वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस हमें एप्स का वर्कआउट स्टार्ट करना है जंपिंग जैक्स से। जब भी आप करते हैं तो आपने किस तरीके से करना है मैं आपको वो बता दूं। नॉर्मली आप कैसे ऐसे जंप करते हो, ये आपने नहीं करना है, आपने सबसे पहले अपने एब्डोमिनल को टाइट करना है। फॉर एग्जांपल इनहेल कर देना है, टाइट हो गया, देन इसके बाद जंप 1 2 3 4 5। इसको आप 2-3 वेरिएशन में कर सकते हो, इस तरीके से आपने करना है जंपिंग जैक्स पूरे 100 रेपिटेशन। 100 रेपिटेशन आपके जब हो जाएंगे, अच्छे से आपका एब्डोमिनल एक्टिवेट हो जाएगा, देन उसके बाद आपने अपनी दूसरी एक्सरसाइज चलनी। ये भी एक एक्सरसाइज है, एज ए वार्म अप हो गया, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी। पहले आपने 100 से स्टार्ट करना है, 100 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है। जैसे ही आपको जैसे हो गए अरे 100 हो गए मजा नहीं आ रहा, तो उसको बढ़ाओ 150 200 करो, इस साइड से आपका एब्डोमिनल की बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। सिर्फ ये जंपिंग जैक्स करके ही मैंने ऑलमोस्ट अपना 3-4 किलो वेट गिरा दिया था 8 या 9 दिन में, बहुत ज्यादा करता था, हजार करता था। जो आपका बैली है ना, वहां का फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ट्राई करना, लेकिन डाइट के साथ चला, ऐसा नहीं सिर्फ ये करते रहो, डाइट भी साथ साथ लेनी है आपने। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे। तो गाइस जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी इंक्लाइन क्रंचेस। आपने कैसे परफॉर्म करनी है और कितने रेपिटेशन करने वो तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। अगर आप बिगनर हो तो आप 15-15-15 तीन सेट कर सकते हो। अगर आप थोड़े से एडवांस हो, वर्कआउट करते हो, तो आपको 50-50-50 के 3 लेने हैं, तब आप पूरा यू नो मजा आ जाने वाला है, एप्स बिल्कुल फटके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। परफॉर्म कैसे करना है, इतना नहीं जाना आपने, आपने फुल आगे जाना है, पूरे एब्डोमिनल को दबाना है, मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है, और 6 के 6 6 हैं, जिसके 5 है, जितने आपके एब्स हैं उस हिसाब से आपको पूरे एब्स फील करने हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये स्लो स्लो मारना, आपने ये नहीं जल्दी नहीं, स्लो स्लो फील करके। तो ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज, और इसको परफॉर्म करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो कि आपने डिक्लाइन बेंच पे करनी है। करनी कैसे है मैं बताता हूँ, ये नहीं करनी है आपने, करनी कैसे है अब वो तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। ये देखिए आपने ऐसे नीचे रह जाना है,
और यहीं से आपने उठना है और ट्राई करना है अपने नीज को टच करने के लिए, होल्ड दैट डाउन, होल्ड एंड डाउन गाइस, आप ये करते हैं एंड ये करते हैं, दोनों करके देखना, डिफरेंस आपको फील हो जाएगा कि कौन सी ज़्यादा हार्ड है। इसके भी आपने सेम, अगर बिगनर है 15-15 की 3, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 50-50 के 3 सेट। ठीक है, अब चलते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पे। तो गाइस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हम दो एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करेंगे, फर्स्ट लेग रेजेस, सेकंड फ्लटर की। अगर आप बिगनर हैं तो 15-15 मतलब कि 30, अगर आप एडवांस है तो 50-50 मतलब कि 100, समझ गए ना? तो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अपनी बॉडी को आपने ऐसे अप रखना है और अपने एब्स पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट रखना है, ये नहीं कि ढीले करके मार रहे हो, एब्स को ऑलवेज टाइट रखना है आपने। अगर आप लेग रेज परफॉर्म करते हो तो एब्डोमिनल पूरे टाइट, देन उसके बाद इनहेल एक्सहेल हर एक्सरसाइज में आपने करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैंने जो जो एक्सरसाइज आपको बताई है अगर आप उसको फॉलो करते हो, डाइट फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट्स नीचे डाल दो। अभी तुम्हारा भाई ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है दोबारा से, बहुत ही तगड़ी, आई नो कम हो गए बट अब और भी बढ़िया करेंगे और सब कुछ साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अगर भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और अगर क्रिएटिन बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो।